वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया और आज इस वीडियो में आपके लिए नया अपडेट है, जो कि अपडेट है बीएड वाले स्टूडेंट के लिए जो सेकंड सेमेस्टर में है और जो फोर्थ सेमेस्टर में, उनके लिए ये अपडेट है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि ये अपडेट क्या है, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आपको डिटेल से दिखाएंगे। तो देखिए, इसमें अपडेट ये है कि जो भी स्टूडेंट अभी इस मंथ में ही जो जिनका एग्ज़ाम हुआ था सप्लीमेंट्री का, तो सप्लीमेंट्री का जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 19 तारीख को, जो फोर्थ सेमेस्टर और आपका सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट का, उन लोग का देखिए रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। रिजल्ट पब्लिश हो गया आज का डेट में। तो देखिए, रिजल्ट पब्लिश होने का डेट यहाँ पे और टाइमिंग दिया गया था 29 तारीख को और 2 बजे 2 PM। तो 2 PM से बहुत देर तक हम वेट किए, रिजल्ट आपका नहीं आया था। देखिए, अभी अभी तुरंत ये रिजल्ट आपका पब्लिश हुआ है, इसीलिए तुरंत अभी आपका वीडियो बना रहे, थोड़ा लेट हुआ है वीडियो बनाने में, क्योंकि 2 बजे टाइम दिया गया था, 2 बजे रिजल्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि हम बहुत देर से इसमें देख रहे थे कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, लेकिन आया रिजल्ट आपका लेट से आया, इसीलिए लेट से वीडियो आ रहा, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, बस आधा घंटा या पौने घंटा लेट हुआ है। तो अभी आप यहां से देख सकते हैं, आपका जो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है सप्लीमेंट्री वाले और सेकंड सेमेस्टर जो स्टूडेंट है जिनका सेकंड सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हुआ था, उनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। पब्लिश हो गया रिजल्ट, और रिजल्ट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना, किस तरह से आपको रिजल्ट को देखना है, क्या रिजल्ट में CGPA मार्क्स दिया जाता है या परसेंटेज में रहता है, या परसेंटेज में अगर रहता है या CGPA में रहता है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सारा डिटेल इस वीडियो में अभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार का पल पल अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देख पाएँ, उसका अपडेट पा सकें। तो आई होप आप सब्सक्राइब कर दिए, नहीं किए तो कर लीजिए अभी। आपको चलिए हम आगे का इसका दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करना आपको रिजल्ट को। तो देखिए, सबसे पहले जो है आप अपना गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा अपना फ़ोन पे, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप जाइएगा वहाँ पे, टाइप कीजिएगा www आप सिर्फ लिखिएगा वहाँ पे WBUTTEPA.AC.IN टाइप कीजिएगा गूगल में। उसके बाद वहाँ पे देखिएगा आपका एक पेज आएगा WBUTTP का ऑफिशियल जो साइट का उसका पेज रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा आपका, उसका ये ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस तरह से स्क्रॉल करते हुए आपको आना है यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे करेंट नोटिस पे आना है, करेंट नोटिस जो सेक्शन है यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लिंक दे दिया गया है आपका जो बीएड का, देखिए यहाँ पे है रिजल्ट ऑफ बीएड फोर्थ सेमेस्टर सप्लीमेंट्री वन, और यहाँ पे देखिए रिजल्ट ऑफ बीएड सेकंड सेमेस्टर सप्लीमेंट्री वन, यहाँ पे दोनों का रिजल्ट पब्लिश हो चुका। और ये नोटिस था कल का, जहाँ पे कहा गया था आपका कि रिजल्ट आपका पब्लिश होगा 2 बजे के टाइम 29/7 को। तो ये भी नोटिस आपको कल बताए थे, अपडेट दिए थे, तो आज इसका देखिए रिजल्ट पब्लिश हो गया। तो रिजल्ट पब्लिश हो गया, उसको भी आपको दिखाना मेरा फर्ज है, इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो बना के ला रहे हैं, आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सेमेस्टर टू का और सेमेस्टर फोर का रिजल्ट को हम देखेंगे कि कितना किसका मार्क्स रहा, कौन फेल हुआ है, कौन पास हुआ है, क्या अभी भी किसी स्टूडेंट को फेल किया गया है कि नहीं किया गया। तो चलिए सेमेस्टर फोर को पहले ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लिंक पे, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से आपका फोन में, और ये PDF का फॉर्म में आपका फोन में ओपन होगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट शो होगा, ये देखिए ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं, ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, यहाँ पे देखिए फोर्थ सेमेस्टर वाले सप्लीमेंट्री स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना स्टूडेंट है, देखिए टोटल जो है स्टूडेंट है आपका यहाँ पे लिखा गया 2 से नंबर, यहाँ पे कॉलेज कोड है, यहाँ पे आपका बीएड डिग्री एग्जामिनेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एग्जामिनर, और यहाँ पे देखिए सेमेस्टर टू। तो ज़्यादा यहाँ पे देखिए रिजल्ट है नहीं, लगभग आपका 10-20 रिजल्ट ही है, यानी कि 10-20 स्टूडेंट ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका रिजल्ट जो यहाँ पे पब्लिश हुआ। तो देखिए रिजल्ट में क्या क्या लिखा गया वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको मिलेगा कॉलेज का कोड, उसके बाद यहाँ पे आपको डिग्री क्या है, बीएड है वो, इसके बाद एग्जामिनर का ईयर मिलेगा, उसके बाद एग्जाम जब हुआ है किस मंथ को वो, उसके बाद सेमेस्टर कौन सा सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, तो ये फोर्थ सेमेस्टर का वो दिखेगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे फिर आपको मिलेगा रोल नंबर, रोल नंबर यहाँ पे देखिए जिसका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे देख सकते हैं अपना रोल नंबर को। उसके बाद यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए उनका, उसके बाद उनका यहाँ पे नाम भी है, तो जो स्टूडेंट अपना नाम से खोजना चाहते हैं अपना नाम से यहाँ पे अपना रिजल्ट को देख लीजिए, अपना जो रोल नंबर है रोल नंबर से देखना चाहते हैं रोल नंबर से देख लीजिए।
तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आप अपना नाम से अपना रिजल्ट को खोज सकते हैं, देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है सबके सामने इधर फिर CGPA में मार्क्स दिया गया है। यहाँ पे आपका थोड़ा जूम करके आपको दिखाने का कोशिश करते हैं हम, अच्छा से आप देखिए इसको। देखिए यहाँ पे है आप CGPA में आपका मार्क्स दिया गया है, यहाँ पे देखिए CGPA लिखा है, तो CGPA में यहाँ पे आपका मार्क्स शो कर रहा। और यहाँ पे देखिए आपका जो है परसेंटेज बाय और CGPA बाय दोनों एक साथ में यहाँ पे आपका रिजल्ट शो कर रहा है, यानी कि दोनों इस बार जो पब्लिश हुआ है एक साथ में ही पब्लिश किया गया, परसेंटेज के साथ और CGPA के साथ भी, परसेंटेज के साथ दोनों एक साथ में यहाँ पर आपको दे दिया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि यहाँ पे CGPA जैसे रिजल्ट दे देता तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता, इसीलिए यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज में भी यहाँ पे कन्वर्ट करके ही आपका जो रिजल्ट को पब्लिश किया गया है। और यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट पास है उनके सामने यहाँ पे देखिए पास लिखा हुआ है, और यहाँ पे उनका कॉलेज का नाम है, इधर कॉलेज का नाम देख सकते हैं आप राइट साइड में। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी जिनका इनकम्प्लीट भी है, तो यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट है इनका, और यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट है इनका, डिसक्वालीफाई है ये स्टूडेंट, और इनका है जो इनकम्प्लीट है। तो ये दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी इनकम्प्लीट और डिसक्वालीफाई आया हुआ है, और बाद बाकी सारे स्टूडेंट जो है पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये देख लिए आप फोर्थ सेमेस्टर का, देखिए यहाँ पे जैसे आपका रिजल्ट में देखिए यहाँ पे CGPA में कितना दिया गया, 8.51 आपका मार्क्स दिया गया CGPA में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे दिया गया, यानी कि 79.75% आपका आया है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से आपका रिजल्ट जो है पब्लिश हो चुका है। और यहाँ पे देखिए और नीचे चलेंगे तो नीचे देखिए कोई भी और स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, सिर्फ एक पेज का रिजल्ट है, और यहाँ पे 10-20 स्टूडेंट ही है, ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं इसमें। तो ये हो गया आपका सेमेस्टर 4 का रिजल्ट सप्लीमेंट्री 1 का। उसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ पे बैक जाके, फिर बैक जाके दिखाएंगे आपको यहाँ पे आपका बीएड जो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उनका रिजल्ट। तो उनका रिजल्ट आपको यहाँ पे बैक चल के अभी दिखाते हैं हम, दिखाने का कोशिश करते हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो पूरा देख के जाइए, ताकि आपको डिटेल से समझ में आए और आप डिटेल से देख के जाएँ अपना वीडियो इसको। तो यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे फिर से हम पहुँच जाएंगे। पहुँच जाने के बाद यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 2 को क्लिक करेंगे, सेमेस्टर 2 में जैसे क्लिक करेंगे ये भी PDF के फॉर्म में अपलोड हो जाएगा इस तरह से आपका। और यहाँ पे सेमेस्टर 2 में भी देखिए एक ही पेज का रिजल्ट है, ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं इसमें भी, 20-30 स्टूडेंट ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना रिजल्ट, और यहाँ पे अपना रोल नंबर हिसाब से, और अपना नाम वाइज जैसे उसमें था उसी तरह इसमें सारा कुछ है। यहाँ पे भी देखिए आपका परसेंटेज में रिजल्ट नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ आपका CGPA में मार्क्स दिया गया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके नहीं दिया गया सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट का। और देखिए यहाँ पे कॉलेज है राइट साइड में, और यहाँ पे रिजल्ट आपका जो है सेमेस्टर पास लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखिए सारे स्टूडेंट पास है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो जिनका इनकम्प्लीट है और जिनका डिसक्वालीफाई है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट पास हो चुके हैं सेमेस्टर 2 में, जो यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं सप्लीमेंट्री का। तो यहाँ पे देख लिए सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट, यहाँ पे अपना नाम वाइज खोज सकते हैं, देख सकते हैं, देख के आप अपना नाम को मिला लीजिएगा, अपना रिजल्ट क्या है, कितना परसेंटेज आया है, कितना CGPA मार्क्स दिया, आप इस तरह से देख सकते हैं अपना रिजल्ट को। देखिए स्टूडेंट अगर आप इस PDF को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, आपको नहीं मिलता है इनका ऑफिशियल साइट, तो आप जो है मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे देखिएगा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। वहाँ पे इसका PDF दोनों का PDF आपको वहाँ से हम मिल जाएगा, वहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके ज़रूर से एक बार वहाँ पर ज्वाइन हो लीजिए, और ज्वाइन होकर वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा और डिटेल से अपना रिजल्ट को। तो आई होप कि डिटेल से आपको समझा सकें हम अपना रिजल्ट को, आपका रिजल्ट को हम दिखा सकें, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो अभी कैंडिडेट है आपका 21 और यहाँ पे जो 20-22 वाले सेशन के स्टूडेंट है जो BEd का फोर्थ सेमेस्टर का, उनका जो एग्ज़ाम का कब आएगा, उनका कब होगा एग्ज़ाम रेगुलर स्टूडेंट का, उनका एक वीडियो हम अपलोड किए हैं आज ही सुबह को, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको डिटेल से समझ में आएगा कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कब तक आपका एग्ज़ाम होगा। और जो सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी लेट है, आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अभी बहुत लेट है, इसीलिए आप लोग के लिए कोई अपडेट नहीं ला रहे हैं, ताकि इतना जल्दी अपडेट देंगे तो आप लोग बोलिएगा कि आप फेक खाली वीडियो बना रहे, इसीलिए आप लोग के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी लेट है।
तो जो स्टूडेंट देखिए अभी तक अपना प्रैक्टिकम असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किए हैं, हमारे चैनल पे बहुत सारा प्रैक्टिकम असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है वीडियो के माध्यम से, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके या फिर वीडियो को देख के लिख सकते हैं प्रैक्टिकम असाइनमेंट को, लिख लीजिएगा। अगर आपको वहाँ से हेल्प हो सके तो आप एक बार जरूर से प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी आपको अच्छा लगा। अगर जानकारी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।